क्योंकि आज 12 साल हुए हैं और 8 साल से उनका अवार्ड फंक्शन चल रहा है. आई जस्ट फील वेरी ऑनर्ड दैट आई हैव कम ऑन अ स्टेज लाइक दिस टू अनवेल देयर. आप सबने देखा डिजिटल पोस्टर उनका. सो इट्स अ वेरी हाई एनिमेटेड थिंग एंड इट एक्चुअली शोज द अवार्ड गो थ्रू ऑल द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे एंड एवरीवेयर एंड इट्स सो नाइस दैट वी हैव लेगेसी मीटिंग कल्चर नाउ एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी. जहाँ वो पूरा एक पोस्टर इतना इंटरेस्टिंग इतना इंटरैक्टिव बना दिया है दैट आई एम वेरी ग्लैड. दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड आई विश एवरीबडी दिस ईयर हु इज़ गेटिंग द अवार्ड ऑल द बेस्ट एंड बिग कंग्रेचुलेशंस एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर. इडियट्स नहीं हूँ मैं. आई थिंक आई से एनिमल. मुझे एनिमल बहुत पसंद आई. मैं रणबीर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और रणबीर की दोनों पिक्चरें आई है इसी साल में. It's just a treat to watch him. I think for me, I absolutely love watching him. That I'd say animal. Yaar, Dev Kaul Pyar Ka Panchnama also misogynist. तो इस शब्द से तो मैं बहुत सालों से वाकिफ़ हूँ. इस शब्द का सवाल मुझे बहुत सालों से पूछा जा रहा है. मेरा जवाब तब भी वही था, मेरा जवाब आज भी वही है कि अगर प्यार का पंचनामा हिट हो सकती है और इतने करोड़ कमा सकती है और एनिमल 600 करोड़ कमा सकती है तो ये सवाल मुझसे नहीं, हमें ऑडियंसेस से पूछना चाहिए कि उनको क्या लगा. और अगर उन्होंने इतनी बार आके 600 करोड़ दिए हैं पिक्चर को तो उनको कुछ तो पसंद आया होगा ना. अगर आपने ये सवाल उठाई है तो मैं तो कह रही हूँ कर लो, स्टार्ट कर लो. आप बताओ लोगों को कि वो भी थे और उनके नाम पे एक अवार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए उनके नाम पे. चाहो तो क्रिटिकल ये हो सकते हैं, अगर ये दादा साहब फाल्के हैं तो उनके नाम पे क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो सकते हैं. जैसे हम सब अवार्ड्स में करते हैं, पॉपुलर होता है क्रिटिक्स होता है, तो हम वैसे कर सकते हैं. दैट वे एवरीबडी गेट्स अ लिटिल बिट of everything. I think the fact that it's such a big moment for the whole country to celebrate. हम सब ने देखा है कि उस दिन क्या इमोशन था सबके पास, सबके तरफ. जब भी हम फ़ोन खोलते, जब भी एक दूसरे से बात करते, मैं बॉम्बे में नहीं थी बट जहाँ मैं थी वहाँ टी वी पर हम पूरा वो लॉन्च देख रहे थे. एंड इट वॉज आई थिंक एक इमोशन ना पूरे देश को जो कनेक्ट करता है वो उस दिन एक्चुअली महसूस हुआ. So it's a very big moment for all of us and we celebrated it and I hope we continue to celebrate it as well. अरे मैं actually जाके आई हूँ. राम सेतु का मुहूर्त शॉट जब अयोध्या पूरी तरह बना नहीं था, it was still in the process. हमने वहाँ जाके मुहूर्त शॉट किया था, पूजा की थी. I was very fortunate and very lucky कि हमें उस फिल्म के through मुझे मौका मिला वहाँ जाने का. तो मैंने actually वहाँ under construction चीज़ें देखी थी. तो I'm very happy that I went then but I want to go even now. तो आई होप, एंड मैं बता रही हूँ ये जो एक इमोशन होता है ना, इसका बुलावा आता है. आप कहते हैं ना भगवान का बुलावा जब आता है तो आप पहुँच जाते हो, तो जब भी आएगा मैं पहुँच जाऊँगी. 150 साल पहले फिल्म्स बनने लगी थी इंडिया में और दादा साहेब फाल्के एज़ राइटफुली मेंशन्ड इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तो फिल्मों से जुड़ना एक कलाकार के माध्यम से लोगों के जीवन तक पहुंचना, टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ पीपल्स मेमोरीज एंड मोमेंट्स ऑफ लाइफ इज़ सच अ प्रिविलेज. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एज आर्टिस्ट, एज अ कम्युनिटी, व्हाट दादा साहेब फाल्के स्टार्टेड हैज़ ऑफ कोर्स लेड टू द लेगेसी दैट वी ऑल बीन एबल टू बी अ पार्ट ऑफ एंड बिल्ड ऑन. सो इट्स अ वेरी वेरी मोमेंटस ईयर, स्पेशली बिकॉज इट्स 150th ईयर. और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ और फिल्मों का हिस्सा हूँ. मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जब धक धक रिलीज़ हुई थी, मैंने ये बहुत बार, बहुत मरतबा इस बात को लोगों के जहन में डालने की कोशिश की कि 150 साल लगे हमारे देश को एक ऐसी कहानी लिखने के लिए और बनाने के लिए जिसमें चार औरतें सहयात्री बनकर, हम सफ़र बनकर मोटरसाइकिल्स पे दिल्ली से खारदुंगला जाते हैं. और हम इतने खुश हैं कि इस फिल्म ने लोगों के दिलों में जगह बनाई, इतने सारे लोगों ने इतना प्यार दिया इस फिल्म को. और जितने भी आई थिंक लिस्ट्स बनी हैं फॉर द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2023, धक धक उसका हिस्सेदार है. और उम्मीद करती हूँ कि अवार्ड्स के ज़रिए हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और भी प्रोत्साहित हो कि ऐसी कहानियाँ वो बनाते रहें. बहुत बड़ा ऑनर है टू बी हियर. ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा और एक सिनेमा के स्टूडेंट
आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा एंड आई लव टू लर्न एंड टू बी हियर टू डू दिस एंड टू बी हियर एज अ पार्ट ऑफ दिस इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी एंड इट्स बिग ऑनर एंड इट्स वेरी प्रेस्टीजियस एंड आई विश देम ऑल द लक एंड दिस इज गेटिंग बिगर एंड बेटर एवरी ईयर सो आई थिंक जो भी प्यार मिलता है जो वैलिडेशन मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें इनकरेजमेंट मिलती है एंड इट फील्स वेरी गुड समवेयर इट फील्स लाइक यू नो यू आर डूइंग द राइट थिंग यू आर ऑन द राइट पाथ एंड इट ऑल्सो मेक्स यू वॉन्ट टू वर्क हार्डर कि यू नो सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक तो बहुत अच्छी बात है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान हम लोग सब यहाँ दोनों यहाँ आए हैं और हमारी पिछली 2 फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है Z5 पे उसके एवरेज में हम लोग आए हैं हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट हम लोग यहाँ आज हैं। अवार्ड के साथ हमेशा एक क्रेडिबिलिटी का जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है आपको आप देखते हैं साल में बहुत सारे अवार्ड कहीं कहीं जगह होते हैं तो जब दादा साहेब फाल्के अवार्ड आता है तो आपके मन में एक उसकी एक स्टैंप लग जाता है वेरी क्वालिटेटिव वेल डिजर्विंग अवार्ड जिसको भी मिलता है उसकी ज़िंदगी में बाकी कोई भी बहुत सारे अवार्ड होते हैं पर एक दादा साहेब फाल्के आ जाता है तो आपके हाथ में ऑस्कर से भी ज़्यादा एक गर्व की बात आ जाती है हिंदुस्तानी के लिए कि भाई दादा साहेब फाल्के जिनके साथ हमारी सिनेमा का हमारे मनोरंजन की दुनिया का एक ऐसा दौर जुड़ा है जो कि शुरुआती दौर था तो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल अवार्ड इंडिया का कहा जाए ऑलमोस्ट मैं तो नेशनल अवार्ड ये आप ये तय नहीं कर पाओगे कौन सा ज़्यादा रेप्यूटेड और कब कौन सा ज़्यादा पहले से शुरू है तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड अवार्ड और इसकी खुशी बहुत होती है खिचड़ी 2 इतने सालों से लोगों का मनोरंजन करते आई है और ख़ास करके छोटे पर्दे पर तो बहुत ही किया है हमने अभी हमको 2-3 ऐसे जर्नलिस्ट मिले रिपोर्टर मिले जिन्होंने हमको कहा कि हम सर एक फ़ोटो लेना चाहते हैं उन्होंने कहा कि थैंक यू हमारा बचपन सुधारने के लिए तो ये जो कमेंट हमको मिलती है कॉम्प्लीमेंट मिलती है इतने सालों से मिलती है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि खिचड़ी जो एक ब्रांड है लोगों के घरों में सालों से एकदम अपनापन जता के रही है तो जब टीवी पे और स्पेशली जब OTTs जैसा Z5 पे आएगी तो वो बहुत सारे लोग जो इतना इंतज़ार करके बैठे हैं देखने के लिए उनको ये देखने का साथ मिलकर हंसने का मौका हम हमेशा मानते हैं कि फैमिली कंटेंट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पूरा परिवार साथ बैठ के देखे साथ मिलकर एंजॉय करे तो Z5 पे लोगों को ये मौका मिलेगा एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड हम खुद उसका इंतज़ार कर रहे हैं और Z5 जैसे सक्षम प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो बड़ा मज़ा आएगा मिशन 5 तुर्किस्तान वही अपने आप में एक बयां करता है कि कोई एक ऐसा मिशन है और जब 5 तुर्किस्तान की बात करते हो तो ऐसी कंट्री ऐसे देश की बात होती है कि क्या है फनी लगता है और जैसे जैसे आपने उसके प्रोमो ट्रेलर देखा होगा तो एक ऐसी कंट्री हम दिखा रहे हैं कि जहाँ पे हमारे जो प्रफुल्ल है उनके लुक अलाइक वहाँ के राजा है जो कि बहुत ही क्रूर है अपनी प्रजा पे बहुत ही जुल्म ढाते हैं और वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है तो ये पारिक परिवार प्रफुल्ल के ज़रिए उस राजा को रिप्लेस करके पूरे दुनिया को बचाने का मिशन हाथ में लेते हैं आप सोच सकते हैं जब प्रफुल्ल और पारिक परिवार ऐसा कोई मिशन हाथ में लेंगे तो वो मिशन किस हद तक जा सकता है या किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता है और उसमें क्या उटपटांग चीज़ें होके कितना ह्यूमर कॉमेडी और मनोरंजन आ सकता है तो ऐसा प्योर फन फिल्म एडवेंचर कॉमेडी है मिशन 5 तुर्किस्तान पे जाने की जर्नी और वहाँ का पूरा जो एक प्रोसेस है बड़ा मज़ेदार रहा है अनंत जी मेरी पहचान करता हूँ मैं चंद्रशेखर पुसालकर दादा साहेब फाल्के का नाती ये मेरी वाइफ मृदुला पुसालकर ग्रैंड डॉटर इन लॉ आज मुझे बहुत एक गर्व की बात है मेरे लिए कि इतना बड़ा एक फेस्टिवल बोलते हैं इसे अभी फेस्टिवल का सीज़न है ये बड़ा फेस्टिवल और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा है तो मेन इवेंट कितना बड़ा होगा तो मैं भी वो उससे जुड़ा हुआ हूँ एज ए ज्यूरी प्रेसिडेंट लास्ट 5 ईयर्स और ये जो टीम है DPIFF की लीड बाय अनिल जी मिश्रा एंड अभिषेक मिश्रा यंग टीम है 6 साल हम लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने दादा साहेब फाल्के को एक बहुत ऊँची पर खड़ा किया क्योंकि बहुत सारे लोग फाल्के जी का नाम यूज़ करते हैं
और कुछ हजार दो हजार में बेचते हैं तभी हमें बहुत शर्म लगती है, लेकिन ये प्रोग्राम हम जब भी अटेंड करते हैं तो बहुत हमें प्राउड लगता है। तो मैं कॉन्ग्रेट्स टू अनिल जी मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, आई एम ऑल्सो विथ देम। और मैं तो एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, ये जो प्रोग्राम उनको दादा साहब फल का एक इम्पोर्टेंस समझ गया, लेकिन आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। मैं बोलूँगा इन शॉर्ट टाइम देर विल बी अनाउंसमेंट अ बिग फिल्म ऑन दादा साहब फल के बाय प्रोडक्शन हाउस एंड बिग स्टार विल बी स्टारिंग। तो एक बड़ा फिल्म आ रही है, तभी लोगों को इम्पोर्टेंस समझेगा, तब वो बोलेंगे अरे हम जाना चाहिए था दादा साहब फल्के के, जो आते थे दे विल रिपेंट। और आम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट है, प्रेस वाले तो हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं अभिवादन करता हूँ, दादा साहब को प्रणाम करता हूँ। उनके वजह से आई ट्रांसफर दिस ऑनर टू हिम, उनके वजह से मुझे सम्मान मिल रहा है, मेरे वाइफ को मिल रहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अनिल जी मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, उनकी यंग टीम का बहुत सारे एफर्ट ले रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मेरी एसोसिएशन आज तो एक होस्ट की भूमिका में है, बट उससे पहले भी DPIFF बहुत ही एक लेगेसी लेके आया है। एंड ऑफकोर्स वी नो अबाउट दादा साहब फाल्के, उनके साथ में बहुत एक लेगेसी अटैच्ड है। सो आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड टू होस्ट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे।